हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको क्लास टेंथ मैथ में पॉलीनोमियल से जो हो रहा था बहुपद, उसमें आप लोगों को रैखिक बहुपद के बारे में बताया गया था कि उसको हम ग्राफीय निरूपण उसका कैसे करेंगे, जो मतलब रैखिक बहुपद होते हैं उनका ग्राफीय निरूपण तो आप लोग पढ़ लिए। अब आपको बताएंगे द्विघात जो समीकरण होते हैं, द्विघातीय बहुपद होते हैं, उनको कैसे हम हल करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको यही सीखना है। तो बच्चों, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सब समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, उनकी सहायता हो सके। तो बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत किससे करना है, बहुपद से करना है। अब देखिए, पहले हम वाले दस द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप, द्विघातीय बहुपद का हम सामान्य रूप देखते हैं, जिसे हम देखते हैं अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये द्विघातीय बहुपद है। इसमें आपको बताएंगे कि जो एक्स वाले दिए गए हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स, ये क्या है, ये सभी चर हैं, इनके मान बदलते रहेंगे, कुछ भी आ सकता है। और यहां पर ए कामा बी कामा सी, ये क्या है, अचर है, ये हमेशा नियत रहते हैं। क्या रहते हैं, नियत, कांस्टेंट। क्या रहते हैं, हमेशा नियत रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आप देखिए, यहां पर इस द्विघात समीकरण को हल किया जाता है तो इसके कितने मान आते हैं, कितने रूट आते हैं, कितने मूल आते हैं, आप लोगों को पता है। इसको हल करते हैं तो इस समीकरण के हल करने पर इस समीकरण के दो मूल आते हैं, दो शून्यक आते हैं, शून्यक कहो या मूल, एक ही चीज है, आते हैं। इसे कितने मूल आते हैं, दो शून्य या दो मूल आते हैं। अब देखिए, मान लेते इसको हल किया गया है, इसके दो मूल आए, एक अल्फा आ गया और दूसरा मूल बीटा आ गया। अब इन मूलों के गुणों के बारे में बताएंगे कि ये कैसे व्यवहार करता है, इनका योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इसको पहले आप लोग जान लीजिए, जिससे द्विघात बहुपद को जब आपको समझाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, उसको हल करना बताया जाए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए, ये दोनों मूल आए तो इन दोनों को शून्य करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसके दो मूल प्राप्त हुए। देखिए, x की अधिकतम घात दो, पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना, बताया गया है x की अधिकतम घात जितनी होती है उसके उतने रूट्स आते हैं, उतने ही शून्य अर्थात मूल आते हैं। तो इसको हल किया जाएगा, इसके दो मूल आएंगे अल्फा और बीटा, अर्थात इसको इसके दो मान आएंगे, दो मान आएंगे। मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर माइनस लगाएंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो गुणांक लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखना, हमेशा याद रखिए, जो गुणांक आपको लिखना है उसको क्या लिखना है, ब्रैकेट। सॉरी, यहां पर लिखना एक्स का गुणांक, यहां पर लिखना एक्स का गुणांक, नीचे लिखना एक्स स्क्वायर का
गुड़ा रंग ये लिखना है। ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए माइनस जो लगाया गया है, ऋण का चिन्ह जो लगाया गया है वो बाहर होगा। एक्स का गुणांक देखिए, गुणांक या गुणांक देखिए, गुणांक जो होता है वो क्या है, चर संख्याओं के बगल होता है। किसके बगल होता है? चर संख्या। तो एक्स और एक्स स्क्वायर क्या है? चर संख्याएं हैं और उनके गुणांक यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना दिया गया है? एक्स का गुणांक दिया गया है बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है ए। या आपको समझ में आ रहा है? देखिए मूलों का अगर गुणन योग का लिया जाएगा, मूलों का योग लिया जाए, शून्यकों का लिया जाएगा योग, इसको शून्य भी कहीं कहीं लिखा रहता है, शून्य भी लिया जाए, इनका योग फल जो आएगा माइनस बी अपान ए आएगा। ये इतना हो गया मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, अगर इसका गुणनफल लिया जाए तो आपको क्या लिखना, ब्रैकेट में अचर पद, अचर पद अपान बटे में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर देखिए अचर पद, जहां पर कोई एक्स नहीं है वो अचर पद है। यहां पर देखिए इस समीकरण में जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, इसमें अचर पद कहां पर कोई एक्स नहीं है, इसमें सी के पास कोई एक्स नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे सी और यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है। ये आ गया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आ गया। अब देखिए हम द्विघात समीकरण लेंगे और उसको हल करेंगे, उसके बाद उनके शून्यकों में और मूलों में क्या दिखाएंगे, संबंध प्रदर्शित करेंगे, उनके शून्यकों में क्या है संबंध दिखाएंगे। यही आपके कोर्स में है, इसको ही पढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, यहां पर टेन मान लेते हैं, इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे और इनके शून्यकों में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसको हल करने का दो तरीका है, इसे दो तरह से हल कर सकते हैं। तो पहला आप देख लीजिए हल करने का तरीका क्या है, और उसके बाद शॉर्ट विधि में भी बता देते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। देखिए यहां पर आपको देखना क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या होती है तो उसको हम क्या लास्ट में गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए लास्ट वाली संख्या में गुणा नहीं करेंगे। अगर इसके पहले कोई संख्या होगी तो पहले लास्ट में गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। आपके पास कितनी लास्ट में कौन संख्या बची है, टेन। क्या बची, कौन सी संख्या बची है, टेन। अब दो संख्याएं आपको लेना है, दो संख्याएं लेना है, यहाँ पर लास्ट वाले देखिए टेन है, दो संख्याएं लेना है और दोनों का गुणा किया जाए तो कितना आ जाए, टेन आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना आ जाए, सेवन आ जाए। उन्हीं संख्याओं को जोड़ा जाए कितना आ जाए, सेवन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है, देखिए यहाँ पर जोड़ना है घटाना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दो संख्याएं लेते हैं और उनका गुणा कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हमें कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। देखिए इस चिन्ह को देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर जो चिन्ह होगा उसी हिसाब से करेंगे। अगर यहाँ धन है तो उन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, अगर यहाँ ऋण है तो उन संख्याओं को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर धन लगा है, यहाँ पर नीचे हम प्लस लगा देते हैं। प्लस क्या तो करता है कि जो संख्याएं ली जाएंगी उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे तो सात आएगा। तो पांच और गुणा दो, पांच गुणे दो लिया जाए तो दस आएगा, और इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, सात आएगा। तो यहाँ पर धन लगा है तो इन्हीं संख्याओं को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। तो रूल आपको पता है,
कि एक्स स्क्वायर पहले कोई संख्या होगी तो लास्ट में गुणा कर देंगे, फिर इसका खंड करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे और उसमें मतलब देखेंगे कौन इसके बराबर आता है, और उन्हीं संख्याओं को इस चिन्ह के हिसाब से चेक करेंगे, जोड़ने पर इतना आएगा कि घटाने पर इतना आएगा। यहाँ पर जो चिन्ह होगा यहाँ पर पहले लगा देना, यहाँ पर जो चिन्ह है इसको यहाँ लगाओगे तो आपको पता हो जाएगा कि हमें जोड़ना है उन संख्याओं को कि घटाना है। अब इसको आप करते हैं, चलो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, सेवन के स्थान क्या लिखना है, अब इसको नहीं लिखना है बच्चों, इसको लिखना है फाइव प्लस टू, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस, यहां पर क्या लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई टू इक्वल टू जीरो। अब यहां पर एक तरीका देख लीजिए, इसका तरीका क्या है, चिन्ह का गुणा इस ब्रैकेट में, ब्रैकेट में चिन्ह का गुणा आगे से होगा और एक्स का गुणा पीछे से होगा, ध्यान दीजिएगा चिन्ह का गुणा आगे से होगा और एक्स का गुणा चर संख्या का गुणा पीछे से होगा, तो दोनों साथ में होगा। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां पर देखिए जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, मान लीजिए माइनस और ब्रैकेट में दो माइनस प्लस तीन लिखा है, तो इसका मतलब जब ब्रैकेट में जाएगा, ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला चिन्ह बदल कर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइनस अगर अंदर प्रवेश कर रहा है तो अंदर के चिन्हों में बदलाव हो जाएगा, अगर प्लस अंदर प्रवेश करता है तो कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा का तैसा लिखा रहेगा। अब यहाँ पर माइनस प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी धन है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहां पर धन, दोनों धन है तो दोनों ऋण में आ जाएंगे, फाइव और इधर से एक्स, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर टू एक्स, यहाँ पर प्लस फाइव मल्टीप्लाई टू। अब देखिए यहाँ पर पेयर कर लेते हैं अर्थात जोड़ा बना लेते हैं, तो जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा ये आएगा और इसका जोड़ा ये इक्वल टू जीरो दिया ही गया है। पहले जोड़े में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले वही कॉमन है, जो दोनों में गुण मिले वही क्या होता है, कॉमन होता है। तो इस इनमें और इनमें क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों में आपको x मिल रहा है तो x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इनमें से अगर x कॉमन ले लिया जाए, एक x यहां से निकल गया और एक x यहां से निकल गया, यहां पर एक x बचा हुआ है और यहां पर x निकल गया साथ में, इस जोड़े से x निकल गया, यहां पर कोई x नहीं बचा, यहां पर माइनस फाइव में बचा हुआ है। अब दूसरे जोड़े में, यहां पर ध्यान देना, जब दूसरे जोड़े में कॉमन लिया जाता है तो पहले आपको ध्यान देना है कि दूसरे जोड़े का जो पहला चिन्ह है उसको लेना है, दूसरे जोड़े का जो पहला चिन्ह होता है पहले तो उसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ पहला चिन्ह माइनस है तो माइनस, प्लस होगा प्लस, और क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें दो कॉमन दिख रहा है। अब देखिए दो कॉमन ले लिया, यहां से दो निकाल लिया, यहां से दो निकाल लिया, तो बचा यहां पर एक्स। बच्चों अब ध्यान देना, जब माइनस कॉमन ले लिया जा रहा, पहला दूसरे जोड़े का पहला चिन्ह ऋण है और ऋण को कॉमन कर लिया गया, तब भी अंदर के चिन्ह क्या आ जाएंगे, बदल जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस बन गया, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा। आप देखिए पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इस पूरे समीकरण में क्या दिख रहा है आपको कॉमन को, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, इन दोनों को हम बाहर निकाल ले, इनको बाहर निकाल लिया जाए तो ये और ये बचेगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो बचेगा। अब क्या लिखेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको जीरो के बराबर लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे जब एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहां पर देखिए एक्स जब फाइव को पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसके आगे माइनस है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस में। दूसरा टर्म देखिए, जब x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में दो आ जाएगा। यहां पर देखिए ये पक्षांतर करने पर आ गया, ये पक्षांतर करने पर इतना आ गया, तो x के कितने मान आ गए, ये पहला मान है ये दूसरा मान, ध्यान से देखिए बच्चों, पहले मान को हम मान लेते हैं, ये ऐसे मान लेते हैं, माना ये वाला मान अल्फा है और ये वाला मान क्या मान लेते हैं
बीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ये आ गया इसमें पहला वाला जो मान आया उसको अभी मान रहे हैं, ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों की जांच करेंगे, क्या करेंगे, शून्यकों की जांच करेंगे। यहां पर लिखेंगे शून्यकों की जांच करने पर, शून्यकों की जांच करने पर। देखिए शून्यकों की जांच करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर, ध्यान दीजिए इन दोनों का, मूलों का योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों मूल जो आए हैं इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 5 + 2 कितना आ गया, 7। 5 + 2 कितना आ गया, 7। ये तो मूलों को जोड़ा गया तो इतना गया। अब भैया हम समीकरण पर चलते हैं, ये हमारा समीकरण दिया गया है, ये समीकरण को देखिए, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए हम इसके हिसाब से करते हैं। अब ये आप भूल जाइए, इसको इतना बता दिए यहां तक, ये आ गया जोड़ने के बाद 7 आ गया, अब इसको भूल जाइए। अब हम इसको देखेंगे, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे, यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए एक्स का गुणांक कितना दिया गया है, देखिए बच्चों यहाँ पे चिन्ह के साथ लेना है इसको, तो यहाँ पर चिन्ह के साथ लेंगे तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण में, तो ऋण साथ है। तो यहाँ पर देखिए ये तो पहले से चिन्ह लगा है, इसको ऐसे रख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया, ऋण में 7, यहाँ पे ऋण में 7 आ गया है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक अगर कुछ भी ना दिया हो, केवल एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी ना हो, तो वहां पर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस 7/1, तो नीचे 1 से मतलब कुछ भी नहीं, इसको हम 7 मान लेते हैं। देखिए ये मान जो यहाँ से मूलों को जोड़ा गया वो भी 7 आया, और यहाँ से जो मूलों का योगफल लिया गया इस सूत्र द्वारा वो भी क्या है, बराबर आ गया, दोनों बराबर है, इसलिए क्या है, योगफल क्या है, संतुष्ट होता है। अर्थात ये दोनों मूल इस समीकरण के ही हैं, अगर ये जोड़ने के बाद संतुष्ट नहीं होते तो समझ लीजिए मूलों के ये मूल गलत आ रहे हैं। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। मूलों का गुणनफल इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 5 × 2 = 10 आ जाएगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ब्रैकेट में लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें क्या दिया गया, जहां पर कोई एक्स नहीं है 10, चिन्ह के साथ लिख सकते हो, प्लस में 10 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर गुणा कितना दिया गया, 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/1, मतलब 10 ही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों, जब इन दोनों का गुणा किया गया, मूलों का गुणनफल किया गया तब भी 10 आया, और जब इसको सूत्र द्वारा दिखाया गया तब भी क्या आ गया, 10 आया। दोनों स्थितियों में क्या आया, 10-10 आ गया, इसलिए ये दोनों मूल क्या है, इस समीकरण के होंगे। ठीक है ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसकी सॉर्ट विधि क्या होती है उसको भी समझ लीजिए, सॉर्ट विधि क्या है, जिससे सॉर्ट मेथड में आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 10 = 0। अब यहां पर देखिए दो संख्याएं मानना है, दो संख्याएं मानना है, देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या होती तो गुणा कर लेते, पहले यही काम करना है, लेकिन संख्या नहीं तो सीधा इसको लेंगे। दो संख्याएं मानो जिनका गुणा कर लिया जाए तो 10 आए,
और उन्हीं संख्याओं को जो संख्याएं पूरा करने के बाद दशाएं उन्हीं संख्याओं को जोड़ा जाए तो सात आ जाए। तो यहाँ पर पांच धन दो, यहाँ पर प्लस लगाने का मतलब है जोड़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए गुणनफल कितना आया, पांच गुणे दो और धन में आया इतना। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं, इनके दो मूल प्राप्त हुए, एक पांच प्राप्त हो गया, एक दो, पांच प्राप्त हुआ और एक दो प्राप्त हुआ। लेकिन एक चीज बच्चों जरूर जरूर ध्यान देना, यहाँ पर कौन चिन्ह लगा है, माइनस, तो माइनस लगा है, तो इसके आगे अगर माइनस लगा दिया जाए, ध्यान दीजिए सात के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में माइनस माइनस आएगा, क्योंकि अंदर माइनस के गुणा करेंगे, ऋण का गुणा करेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या है बदल जाएंगे, दोनों ऋण में हो जाएंगे। अब ऋण में हो गए, अब इसको और आगे लिख रहे हैं, जब इसको और आगे लिखेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, इनका चिन्ह माइनस है तो प्लस में बन जाएगा और इनका माइनस में है तो प्लस में बन जाएगा। तो कितने मूल आ गए, एक्स के एक पांच आ गया प्लस में और दूसरा आ गया दो। तो ये आपकी डायरेक्ट विधि है, इससे भी आप लोग हल कर सकते हैं मूलों को, लेकिन ये विधि आप लोग अप्लाई मत करना, यही अप्लाई करना नहीं तो ये एग्जामिनर कट कर देगा, क्योंकि ये सब कंपटीशन लेवल के हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में और आ जाए, ठीक है। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है, टू यू स्क्वायर माइनस फोर यहां पर एड दिया जा रहा है इक्वल टू जीरो। अब इसमें भी आपको और करना है, देखिए ये क्वेश्चन इसी जैसा है, लेकिन आपको ध्यान देना, पहले इसको सही रूप में लिख लेते हैं, इसको सही रूप में लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे चाहते हो, टू यू स्क्वायर, देखिए भैया स्क्वायर के बाद किसकी बारी, सिंगल एक्स की बारी, यू स्क्वायर के बाद किसकी बारी, सिंगल यू की बारी, तो यहाँ पर यू है नहीं तो जीरो यू लिख सकते हो अपने मन से, जो कर्म गायब होगा, जो पद गायब होगा उस पद को जीरो के साथ लिख लिया जाता है। और यहाँ पर माइनस एट, यहाँ पर क्या है जीरो दिया गया है, ये इसके साथ लिख लिया गया है। अब इसको हल करते हैं, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो हो गया। समीकरण एक से हल करते हैं इसको, समीकरण एक से क्या आ जाएगा, टू यू स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या कॉमन है, टू कॉमन हो गया, टू कॉमन लिया जाएगा तो यू स्क्वायर माइनस फोर बचेगा इक्वल टू जीरो। दो को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं इसको क्या कर सकते हैं, टू का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये दो इस दो को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अरे नीचे आएगा ऐसे जीरो पॉइंट टू हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा और जीरो जीरो पॉइंट संख्या मतलब जीरो आएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये दो मान होते हैं इसके। तो इसको क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, इसको हल करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिखेंगे यू माइनस टू और दूसरे में लिखेंगे यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, शून्य बटा संख्या, जीरो बटा संख्या कोई भी संख्या हो, यहां पर कोई भी संख्या हो उसका मान हमेशा जीरो ही रहेगा, ऊपर जीरो नीचे संख्या है तो वो जीरो ही आएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यू का मान निकालते हैं, यू का मान आप लोग डायरेक्ट निकाल लीजिए, यहां पर आपको बताया गया है जब जब इतना बराबर जीरो तब u बराबर इतना, जब इतना बराबर जीरो तो u बराबर इतना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, u का मान दो आएगा, यहाँ पर दो मान आएंगे, अगर देखिए हम सिंपल देख लीजिए, इसमें से अगर दो को भेजा जाए उस तरफ तो प्लस में बन जाएगा दो, ठीक, और इस वाले दो को उस तरफ भेजा जाएगा तो माइनस में आ जाएगा दो, ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा, ये अल्फा आ गया ये बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं। आप भैया शुरुआत करते हैं, यहां पर पहले लिखते हैं शून्य को भी जांच करने पर, यहां पर क्या है
की जांच करने पर क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। पहले हाँ चलो गुणनफल ही लेते हैं। अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुणा कर लेते हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणनफल निकाल रहे हैं भैया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनका इनका गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? दो गुणे ऋण में दो, और इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दो दूना चार, कितना आया? दो दूना चार। यहाँ माइनस और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस। अब देखिए मूलों का गुणनफल किया गया तो फिर चार आया। अब क्या समीकरण से इसको हल करने पर चार आता है? चलो भैया देखते हैं। तो इसको देखने के लिए इसके आगे लिखना पड़ेगा, तो इसके आगे वाला टर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? माइनस यू, यू का गुणांक, यू का गुणांक अपान यू स्क्वायर का गुणांक, ये गुणनफल है। तो यहाँ पर अचर पद लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अचर पद, क्योंकि आप लोग गुणनफल पहले ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए अचर पद कितना दिया गया है? अचर पद आपका दिया गया है ऋण में आठ, ऋण में आठ दिया गया है, और यू स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है? दो दिया गया है। तो इसको कारण इसको विभाजित कीजिए, दो एकम दो, दो चौके आठ, यहाँ पर कितना आया? ऋण चार। अब भैया आप लोग दोनों को देखिए, जब इन दोनों का गुणनफल किया गया तो चार आया ऋण। जब इस फार्मूले द्वारा, जब इस फार्मूले का यूज किया गया इस समीकरण के लिए, इस फार्मूले का यूज इस समीकरण के लिए किया गया, तब भी क्या आ गया? चार आया। तो क्या है इसके मूलों में, और मतलब मूलों में क्या है? सत्यता क्या है? स्थापित हो गई इस स्थिति में, अर्थात ये दोनों मूल किसके हैं? इस समीकरण के दोनों मूल हैं। अब क्या लिखेंगे हम? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल? अल्फा प्लस बीटा। आप देखिए दोनों मूल कौन कौन से हैं? ये दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस टू माइनस टू। तो भैया आप लोग जानते हो एक संख्या प्लस में दूसरी माइनस में अगर बराबर संख्याएं हैं तो दो में से दो गया आएगा जीरो, तो मूलों को जोड़ा गया तो आ गया शून्य। अब इस समीकरण से सत्यापित करते हैं क्या जीरो आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यक्ष मत लिखना क्योंकि हमने एक्स के स्थान पर अपनी बात क्या लिया? यू लिया है, तो यू की बात करेंगे, एक्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, बाहर करेंगे यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक बटे, सॉरी यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यू का गुणांक कितना दिया गया है? यू का गुणांक क्या है? यू के बगल कौन है? जीरो, तो माइनस में ऊपर जीरो, और नीचे क्या है? यू स्क्वायर का गुणांक दो है, तो कोई भी संख्या अगर ऊपर जीरो है और नीचे संख्या दी गई तो भी जीरो। अब देखिए जब शून्य को दिखाया गया अर्थात मूलों को जो हल करने वाले मूल आए उनको जोड़ा गया तब भी जीरो आ रहा है, जब इस सूत्र का प्रयोग करके मूलों का योगफल निकाला गया तब भी क्या गया? जीरो, दोनों स्थितियों में जीरो आया, इसलिए ये दोनों मूल क्या हैं? इस समीकरण के हल हैं। तो आप लोगों को ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बताएंगे कि कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, जैसे मान लीजिए दो मूल दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो इसको आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। कोई समीकरण दिया गया है, मान लेते हैं दो मूल, दो मूल दिए गए अल्फा और बीटा दिया गया है, ये क्या है? शून्यक है, शून्यक है किसके? द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के, बहुपद के।
ये द्विघात बहुपद के मूल दिए गए हैं, तो आप लोग समीकरण द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? द्विघात समीकरण इसका बनाने का तरीका होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू एक्स, और उसके बाद क्या लिख देंगे, प्लस मूलों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल। अब देखिए मान लेते हैं दो मूल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। माइनस देखिए टू रूट माइनस में क्या है, टू दिया गया है, ये दो मूल दिए गए हैं, आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसका द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम मान लेते हैं अल्फा है और इसको मान लेते हैं बीटा है और इसमें रख देते हैं, तो द्विघात समीकरण कितना आएगा, द्विघात समीकरण देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इन दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अल्फा कितना दिया गया रूट टू, अब बीटा माइनस में कितना है रूट टू, उसके बाद एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुणा करना है, रूट टू मल्टीप्लाई माइनस में रूट टू इक्वल टू क्या है जीरो। अब देखिए ध्यान से, देखिए प्लस में रूट टू माइनस में रूट टू, इसके आगे कौन सा चिन्ह है ब्रेकेट के अंदर, प्लस, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा जीरो एक्स, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस, और देखिए रूट टू अगर कोई कोई समान संख्या दी गई है रूट में और उनका गुणा किया जाए तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, जैसे रूट तीन और रूट तीन दे दिया जाए तो केवल तीन आएगा, उसी प्रकार रूट टू का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा टू आएगा, लेकिन प्लस माइनस का गुणा क्या आ जाएगा माइनस होगा और यहाँ पर लगाएंगे जीरो। यहाँ पर देखिए जीरो वाला टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस टर्म को हम हटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप लोग हल करना है, बुक से ले लेना प्रॉब्लम और उसको क्या है आपको हल करना है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कर लीजिए, जिससे क्या है कोई भी पढ़ाई कर सकेंगे। जय हिंद।